आज हमारा कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज का मकसद सिर्फ यही है कि आपको बताओ अगर लियारी जनरल हॉस्पिटल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है अंजुम रहमान जो है जो अरसे दराज से क्या कर रही है हॉस्पिटल के मुलाजमीन को अपने घर पे उन्होंने साथी मुलाजम रखा हुआ है। अगर मेल नर्स है तो उसको अपने बाप के ऊपर जो है रखते भी है देखभाल के लिए, अगर सफाई वाला है या दूसरे उनको अपने घर के काम के लिए लगा देती है। इसी तरह एक इमरान बशीर नाम का एक बंदा है जो अक्सर कॉलोनी का रहायशी है, उसे 10 साल से उसने अपने घर पे बदर कमर्शियल पे रखा हुआ है और उससे जो है रात 1 बजे तक जो है काम लेती है, जबकि वो शख्स जो है मुलाजम लियारी जनरल हॉस्पिटल के और लेकिन तनख्वाह जो है लियारी जनरल हॉस्पिटल के ले रहे हैं और खिदमत जो है नौकरी जो है वो अंजुम रहमान की कर रहा है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा जुल्म है, ये औरत जो है एक अरसे दराज से जो है ये काम कर रही है और इसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि इसको सियासी जो है वबस्तगी है, सियासी पुष्टमलाई हासिल है इसके लिए और ये जुल्म कर रही है। और अभी जब इमरान ने इसके घर में मजीद काम करने से इनकार कर दिया तो कल से उसको कह के दरख्त थाने में उसके ऊपर गिरफ्तार करवा दिया है कि जिसने मेरे घर से सोना चोरी किया है, जबकि ना तो उसने कुछ सोने का कोई सबूत दिया है, जबकि उसके घर के अंदर घर कमरे के अंदर लॉन तक गेट तक जो कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद ना पुलिस को प्रोवाइड कर रही है सबूत और लेकिन पुलिस ने भी चूंकि एक बड़े आदमी की तरफ से जब कंप्लेन आती है तो गरीब आदमी को पुलिस फौरन पकड़ लेती है। कल का उन्होंने पुलिस ने दरख्त थाने वालों ने उसको अरेस्ट किया हुआ है और मैं अल्लाह हुकाम से अपील करता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ का नोटिस ना लिया और हेल्थ सेक्रेटरी ने अंजुम रहमान को जो है मुअत्तल ना किया और इसकी इंक्वायरी ना की और ये जो इमरान है उसको बाजियाब ना करवाया और उसको रिहाई ना दी तो हम जो है आईजी ऑफिस का जो है उसका घेराव करेंगे। कराची की पूरी मसीह आवाम जो है मजहबी रहनुमा दूसरे सब जो है उसका घेराव करें, क्योंकि ये एक बड़ा जुल्म हो रहा है कि जो भी गरीब आदमी काम करते हैं किसी बंगले वालों के तो उनको जो है वो झूठे मुकदमा फंसा देते हैं, लेकिन ये मुलाजम जो है लियारी जनरल हॉस्पिटल का है और मेल नर्स भी जो लियारी जनरल हॉस्पिटल में है ये अपने माँ बाप के ऊपर जो है उनकी देखभाल के लिए मेडिकल के लिए उनको वहाँ तैनात कर दे रही है। यानी कितनी अजीब बात है कि बंदे लियारी जनरल हॉस्पिटल के हैं और लेकिन तनख्वाह वो लियारी जनरल से ले रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट से ले रहे हैं और नौकरी इसकी अंजुम रहमान की कर रहे हैं। कितनी ताकतवर ये औरत है आप ये देख लें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी औरत को इस अहदे पर रहना नहीं चाहिए, इसके जुल्म का जो है वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए। अल्लाह हुकाम इसका नोटिस लें और इसको मुअत्तल करें और इमरान बशीर को फौरन रिहा करें और दरख्त थाने के ऐसे जो हैं इंक्वायरी जो है भरपूर करें और झूठी जो है इत्तला देने पर इसको इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।